नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मशीन की पीसीबी में फॉल्ट आ गया है तो उसको चेंज करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मशीन को ढक्कन को इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको थोड़ा खींचना पड़ता है तो ये ओपन हो गया है। ये देखिए, उसके अंदर पीसीबी है जो हमें चेंज करनी है। सबसे पहले हमें इनके कनेक्टर निकालने पड़ेंगे। ये पावर वाला कनेक्टर है, इसको निकाल देते हैं धीरे से। ये ट्रांसफार्मर है और ये मोटर वाला पार्ट है मशीन का। ये मोटर का जैक है, उसको निकालते हैं। कीपैड जैक, इसको निकालते हैं। उसके बाद जो डिस्प्ले वाला जैक है, इसको निकालते हैं। ये साइड से निकाल कर दूसरी साइड से देखते हैं। ये पाइप निकालते हैं, जो इनलेट पाइप है और ये जो सिरिंज से आ रही है। उसके बाद इसके पीसीबी का तीन स्क्रू लगे रहते हैं, उसको ओपन करेंगे। इसके अंदर ये तीन स्क्रू लगे हैं, इसको ओपन करके तो हम दूसरी पीसीबी लगाएंगे। ये नट थोड़ा सा टाइट है, ये देखिए हमने पीसीबी निकाल ली है। दूसरी पीसीबी के सबसे पहले जो मोटर का जैक है, नहीं डिस्प्ले का जैक लगाया जाएगा। उसके बाद कीपैड वाला जैक, ये चीज़ ध्यान रहे कि जैक उल्टे ना लगे, बिल्कुल सीधे ही लगने चाहिए। अगर उल्टे लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाएगा। ये मोटर वाला जैक है, वो भी लगा दिया। और ये पावर वाला जैक है, इसको भी लगा देते हैं। इसका भी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में फिट होना होगा उसी में ही होगा, सीधा एक साइड पर ही। उसके बाद हम इसके स्क्रू लगाएंगे पीसीबी के ऊपर। जी नट लगा दो अच्छे से ताकि इसमें कुछ लूज ना रहे। नट लगाने के बाद इसके ऊपर पाइप लगाएंगे। दोनों पाइप लगाने के बाद ये अभी हमारी मशीन बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए सर, सारे जैक एक बार ध्यान से चेक करने पड़े, सही लगे हैं। इसको पावर देखकर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मशीन चल गई है, वार्म अप आ गया है। तो सभी कीपैड काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी वायर लगी है। ये सब तो अभी हम इसको सैंपल लगा कर देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, मशीन में सैंपल लग गया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी ने कुछ भी स्पेयर की जरूरत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक ने दे दिया हुआ है, आपके वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए दोस्तों, अभी फैट आ गई है। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये अभी हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो गई है।